आज जयपुर में राजधानी में एक बड़ी घटना हुई। नगर निगम हेरिटेज जिस पर कांग्रेस का कब्जा है, मुनेश गुजर जिसकी मेयर हैं, आज उसकी साधारण सभा की बैठक हुई और कांग्रेस पार्षद ने भाजपा पार्षदों के आरोपों का समर्थन किया। भाजपा पार्षदों ने मुनेश गुजर पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के और हाथापाई हुई। देखिए क्या नौबत आ गई अंदर, किस तरह लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और ये सारे प्रकरण में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल बात है जिसकी वजह से मैं जिक्र कर रहा हूँ पेनल्टी कॉर्नर में, ये नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में ऐसी बातें होती रहती हैं, धक्का मुक्की, मारा पिटाई ये होती रहती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि आज गोपाल शर्मा जो सिविल लाइन्स के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि जयपुर में मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इम्पोर्टेंट बात है, अगले चुनाव की भावभूमि तैयार हो रही है यहाँ से कि जयपुर में मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसके जवाब में अमीन कागजी विधायक हैं, वो भी मौजूद थे, उन्होंने कहा, कांग्रेस के विधायक हैं, कि जिनको पाकिस्तान जाना था, हिंदुस्तान छोड़ के जाना था, वो जाके चले गए हैं। अब जो बचे हैं उनके साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान मत कीजिए। रफीक खान ने कहा कि मैंने यूरी टैक्स का मामला उठाया था, इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान मत कीजिए। मुनेश गुजर ने भी कुछ कहा है, मुनेश गुजर को भी अभी हम सुनेंगे। लेकिन जयपुर में मिनी पाकिस्तान बन रहा है और नहीं बनने देंगे, ये गोपाल शर्मा ने मुद्दा एक खड़ा कर दिया है बहस का। आइए सुनते हैं क्या कहा मुनेश गुजर ने। गोपाल शर्मा बीजेपी के विधायक हैं सिविल लाइन से, उन्होंने रफीक खान जो विधायक हैं कांग्रेस के आदर्श नगर से, और अमीन कागजी किशन पोल से कांग्रेस के विधायक हैं, इन सब की बात सुनते हैं। देखिए जिस तरीके का माहौल था वो आपके सबके सामने है। जो विधायकगण होते हैं वो सदस्य होते हैं, जिस तरीके का उन्होंने माहौल बनाया आपके सक्षम है, जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, वो अध्यक्ष नहीं थे वहाँ पर, वो एक सदस्य थे। सदस्य की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जिस तरीके से जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको बजने पे तार निकाल दिए गए, मान्य हमारे विधायक जो आप देखिए सदस्य जिन्हें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में होना चाहिए, बहुत ही मैं तो कहती हूँ सबसे निम्न स्तर की बात है कि आप अपने खुद के राष्ट्रीय गान का, और वो भी जब आप विधायक हैं आप वायर निकाल देते हैं, आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। जयपुर की जनता हर व्यक्ति को देख रही है, उसकी कार्यशैली से भी देख रही है, उनके भाषा से भी देख रही है, उनके व्यवहार से भी देख रही है। इसीलिए आप सब लोग जयपुर की जनता ने चुनकर आपको वहाँ भेजा है, आप जयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से जयपुर के अंदर दो तरह के कानून बने हुए हैं लोगों के लिए, हेलमेट नहीं लगा सकते, लगाते नहीं हैं, कह रहे हैं कि मीट की दुकानें अवैध हैं वो भी चलती रहेंगी, हम चाहे जिसको जैसे भी आचरण कर सकते हैं, सड़क को चाहे जब रोक सकते हैं, चाहे जहां हम हटवाड़ा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। सदन में स्वच्छ चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली आज के जो प्रस्ताव थे, जो एजेंडे में थे, वो सारे प्रस्ताव यूनानिमसली उस पर चर्चा नहीं हुई, और इस पर चर्चा नहीं होने की वजह से वो प्रस्ताव पास नहीं हुए। सारे के सारे प्रस्तावों में सब लोगों ने जो प्रस्ताव पास नहीं हुए उसके लिए अलग से एक लेटर बनाकर, चूंकि डिसीजन नहीं हुआ, मीटिंग स्थगित हो गई, प्रस्ताव पास नहीं हुए तो मेयर चली गई सदन को स्थगित करके, उसको लेकर पार्षदों में भारी आक्रोश है और उन्होंने एक यूनानिमस लेटर बनाकर और सीओ से उसके लिए कह दिया गया है कि प्रस्ताव जयपुर के पास नहीं हुए, ग्रेटर के हेरिटेज की सॉरी। और जिस सदन में बहुमत से कोई प्रस्ताव पास नहीं होते हैं तो नेचुरली सदन के लीडर के पास स्वयं ऑटो जब प्रस्ताव पास नहीं होते तो इसका मतलब है कि उसमें उसका बहुमत नहीं। देखिए ऐसा है कि पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग विधायक बने, उनको पता है मैं कैसे छपूंगा। ओछी और छोटी राजनीति, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं बात कर रहा हूँ यूडी टैक्स की, वो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। आप सब लोगों ने देखा 300 गज से नीचे रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर यूडी टैक्स लागू नहीं है।
और 100 गज से नीचे कमर्शियल पे लागू नहीं है। कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया, वो सील करने की धमकियां देते हैं लोगों को।